और यहाँ से इस नॉब से इसको टाइट करके अपने एंगल को फिक्स कर सकते हैं। सो गाइज, हमने जो है यहाँ पे बेस तैयार कर लिया है। अभी इसका क्या करना है, इस साइड में कवर लगानी, इस साइड में कवर लगानी है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे प्लेट लिया है, इस प्लेट पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसको मार्किंग कर लेते हैं हम, अंदर साइड से मार्किंग करना है इसको। तो इस तरह से आपको रखना है और अंदर साइड से आपको मार्किंग कर देनी है। तो हमने ये मार्किंग कर दिया गाइज, ये एक नंबर, ये एक नंबर कर दिया हमने। अब ये दो नंबर मार्किंग कर देते हैं। सो गाइज, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने दो मार्किंग यहाँ पे कर दिया है। तो ये बेस वाली हमारी पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमने एक राउंड पीस बनाया है प्लेट का, इस तरह से सीट था, इससे सीट से हमने एक राउंड बनाया है जिसमें हम अभी मोटर को फिट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए भी हमें दोनों साइड जो है अपने को राउंड शेप ले लेना है। तो इसको भी हम दोनों साइड राउंड ले लेते हैं। ये हमने दो मार्किंग इसमें भी कर दिया है। और हमने यहाँ पे दो शाफ्ट लिया है गाइज। इसमें अभी क्या करना है अपने को, इस बेस में हमने इस तरह से शाफ्ट लगानी है और यहाँ पे इस तरह से लगा के इसको हम रोटेशन वाले कंप्लीट करेंगे। तो अभी उसके लिए पार्ट बताएंगे। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, डेड एंड अपने को लेना है। तो दो डेड एंड चाहिए अपने को, तो इसी से हम दो डेड एंड लेंगे, इसकी आउटर साइड से लेंगे। तो हमने ये मार्किंग कर दी है पूरी तरह से। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हमने कर्व शेप में डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये वाली इस पर हम लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे, कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट हो जाएगा, आप चेक कर पा रहे होंगे। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फटाफट इसको कटिंग करते हैं। सो गाइज, अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे हमने सारे यहाँ पे पार्ट्स को जो है पेंट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हमने फ़ैन यहाँ पे फिक्स कर दिया है गाइज, उसी तरह से पीछे हमने कट रखी है ताकि यहाँ से एयर को सक कर सके। और आगे की फ्रंट के लिए हमने कुछ इस तरह से मेस लगा के जो है जाली लगा के तैयार किया है राउंड पे, ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे। और साथ में हमने यहाँ पे इसका बेस दिया है और यहाँ पे हमने जो है ढक्कन जो है वो ओपनेबल बनाया, यानी कवर जो इसकी ओपनेबल बनाया है। अभी इसके अंदर सारे फिटिंग करेंगे। और ये जो शाफ्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये शाफ्ट में हमने कुछ दो इस तरह से जो है इसकी माउंट बनाई है, जैसे गोप्रो की माउंट आती है, आप जैसे देख पा रहे होंगे जैसे गोप्रो की माउंट होती है, कुछ इसी तरह से हमने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है जिससे जो है ये टिल्ड होगी। तो अभी आगे वीडियो में आपको पूरा क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम जो है, जो अपना ये मोटर है, मोटर की वायरिंग करेंगे। आराम से जो है ये मेरी नीचे की तरफ चली जाएगी और नीचे से हम इसकी वायरिंग कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी वायर आ चुकी है। तो ये हमारी वायर जो है कुछ इस तरह से हमारी लग गई है। यहाँ आप चाहो तो फ्लेक्सिबल होस पाइप लगा सकते हैं और अच्छा लगेगा। और इसकी हम स्क्रू को इसके यहाँ से टाइट कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, मेजरमेंट लेना है और यहाँ से हमने ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे ये भी हमने जो है घर पर बनाई है, एक नॉर्मली बोल्ड लेके इसके ऊपर जो है हमने एम सील से कुछ इस तरह से पीस बनाई है गाइस। अब इसको क्या करना है आपको, सिंपली इसके अंदर जो है टाइट कर देना है। अब इससे आपको इसको जहाँ पे भी एंगल देना होगा वो एंगल आप इसको दे सकते हैं। आप देखो इसको इस तरह से एंगल देना चाहे तो इस तरह से दे सकते हैं, सीधा रखना चाहे तो सीधा रख सकते हैं, इस साइड लेना चाहे तो इस साइड भी ले जा सकते हैं, किसी भी साइड में आप इसको ले जा सकते हैं। तो अब इसको फिलहाल अभी हम टाइट नहीं कर रहे हैं, हमारी जो कंट्रोलर है उस पर लगने वाली है। ये कंट्रोलर है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसको आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो ये दोनों मोटर की वायर है यहाँ पे, अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पावर प्लस माइनस एंड मोटर प्लस माइनस। तो यहाँ पे मोटर वाले में हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो हम टाइट कर देना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है गाइस, इस डिवाइस से आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फिलहाल जो गाइस हम बना रहे हैं वो टेबल फैन बना रहे हैं। हमने एक स्विच लिया है गाइस, इस पर हमने दो वायर हमने लगा दी है। इस वायर की कनेक्शन इस कंट्रोलर बोर्ड पे लगेगी और साथ में हमारी जो है इस जैक में लगने वाली है। तो हमने यहाँ पे दो वायर ज्वाइन कर दिया गाइस, हमने सोल्डिंग नहीं करी है क्योंकि हमारी सोल्डिंग आयरन ख़राब हो चुके हैं। तो अभी इसको हम टेपिंग करके इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने दोनों में टेप लगा दिया है गाइस। स्विच की कनेक्शन करेंगे, तो स्विच की कनेक्शन करने के लिए स्विच को हमें आगे से लेके आनी है। तो यहाँ पे देखो गाइज़, हमने यहाँ पे कट आउट कर दिया है स्विच का और यहाँ पे हमने जो है इस वाले की रेगुलेटर लगाने के लिए हमने यहाँ पे कट कर दिया है। तो अभी स्विच को हमें यहाँ से अंदर की तरफ डालेंगे और स्विच को हम लॉक कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो गाइज़, हमारी स्विच जो है वो लॉक हो चुकी है। अब इसकी वायरिंग हमारी पीछे तरफ आ चुकी है गाइज़, इसकी वायरिंग अब अपने को करनी है। तो सबसे पहले अपने को जो है सेंटर वाली जो है ये वाली जो है जो हमने ओपन रखी है गाइज़, ये हमारी इसमें लगेगी। तो इसको हम मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये लो गाइज़, हमने यहाँ पर इसका भी कनेक्शन कर दिया है।
अब ये माइनस वाला है, माइनस वाले को हम कनेक्ट करेंगे, बट बिफोर दैट इसको क्या करना है, अपने को पीछे वाली कवर पे फिक्स करनी है। तो इसकी नट को हम ओपन कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे रख के इसकी नट हम इसे यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखो गाइस, हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे जैक फिट कर दिया। ये जैक जो है हमारी बैक साइड की माउंट में आने वाली है। अब इसकी नेगेटिव में भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली क्या करना है, ये जो डिवाइस है इसको हमें क्या करना है, अंदर की तरफ ले जानी है। तो यहाँ से हम इसकी आराम से जो है अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो गाइस ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी ये आ चुकी है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको नट को लगा देना है हमें। ये देखो गाइस, यहाँ पर हमारी सर्किट ये आ चुकी है। अभी क्या करना है, यहाँ पर अपने को ये वाले स्क्रू यहाँ पर टाइट कर देनी है। ये हमारी टाइट हो चुकी है और उसके साथ ये नॉब आई थी गाइज, इस नॉब को हमें इसके अंदर फिक्स कर देनी है। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एंड करेंगे गाइज। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइज। अब हमारी सिर्फ पीछे वाली पोर्शन रह गई है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं गाइज। फिर सिंपली जो है अपनी मोटर की कनेक्शन रह गई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो ये गाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करना है, इसकी कवर को हमें फिक्स कर लेनी है। सो गाइज, अभी आप देख पा रहे होंगे ये बैक पोर्शन है, यहाँ पर जैक हमारी लगेगी जिससे हमारी सप्लाई आएगी 12 वोल्ट की। और फ्रंट पे हमने यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा दिए और यहाँ पे हमने अपने फ़ैन की स्पीड कंट्रोलर लगा दिए गाइस। सो गाइस, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने टेप लगा दिया है और साथ में हमने स्टैंड ग्लू भी लगा दिया है। हमने यहाँ पे जैक ले लिया है गाइस, अभी इस जैक को हमें इसके अंदर फिक्स करनी है। अभी हमने फ़ैन की स्पीड बिल्कुल लो रखा है, हमने स्विच को भी ऑन कर दिया। सो गाइस, फाइनली अभी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे हमारी जो फ़ैन है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। दैट्स कॉल अ टेबल फैन। और लुक वाइज आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कितनी अच्छी कलर कॉम्बिनेशंस में है, वाइट ब्लू रेड कॉम्बिनेशंस में हमने जो है ये टेबल फैन बनाया है। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो हमने गोप्रो वाली जो आइडिया यहाँ पे हमने कलेक्ट करी है, जिससे अपनी इसकी एंगल को हम कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी एंगल को जहाँ मर्जी चाहो उधर को सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, अगर आप इतना एंगल देना चाहे तो इतना दे सकते हैं, ऊपर की तरफ चाहो तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। जैसा एंगल चाहो आप वैसे तरह से एंगल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ से इस नॉब से इसको टाइट करके अपने एंगल को फिक्स कर सकते हैं। चलो इसको फिलहाल ऑन करते हैं, देन गाइस आपकी इसकी फ्लो चेकआउट कराते हैं। तो ये हमने स्विच ऑन कर दिया गाइस, और अभी इसकी जो है हम फुल मिनिमाइज कर देते हैं एंड गाइस इसके बाद धीमे धीमे हम इसकी ऑन करेंगे। और इतने में अभी आप फ्लो चेकआउट करना गाइस, यहाँ पर फ्लो जो है वो आपको बिल्कुल हल्के देखने को मिल रही होगी। अब इसको हम 50% पे ले जाते हैं एंड देन गाइज आप इसकी फ्लो चेक कर सकते हैं। फ्लो चेक कीजिए गाइज, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो ये खींच लेगा। और ये आप फ्लो चेकआउट कीजिए गाइज, आप इसकी फ्लो चेक कर पा रहे होंगे कितनी जो है फास्ट जो है इसकी फ्लो है, आप चेक कर पा रहे होंगे। हवा इसकी चेक करो आप एंड जो है मस्त हवा जो है इसकी लग रही है हमें आराम से। अगर आप टेबल में काम करना चाहते हैं तो गाइस इसको आप अपने टेबल में रख के काम कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।